So, स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एप्पल स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी गाने का रिमिक्स बना सकते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आज का जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जो बिगनर्स होंगे उनके लिए खास करके। तो वीडियो को गलती से स्किप ना करें, एक एक पॉइंट देखें। अगर कोई काम करे तो पहले आप उस काम को कर लीजिए, आराम से फ्री होकर बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा। सो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास चल रहा है। अगर आपको किसी गाइड की जरूरत है, आप सीखना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 50,000 का कोर्स है जो कि मात्र अभी आपको 15,000 में मिल जाएगा, एकदम आधे से भी आधे में। इन फ्यूचर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सेम प्राइस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मैंने लास्ट टाइम जो ऑफर निकाला था वो लास्ट टाइम वाले ऑफर को एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं उन्हें अभी दूं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो अरे फ्यूचर में ऑफर निकलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। लास्ट ऑफर जो है, जो आया, मान लीजिए लास्ट टाइम जैसे आया था जो, तो वो लास्ट रह गया, अभी जो आया वो अभी के लिए रह जाएगा, आने वाले समय में फिर यही 15,000-25,000 बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप आज के समय में मुझसे जुड़े और अगर आपको मेरे से सीखना है, देन आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी के अभी ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं रिमिक्स। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने एफएल स्टूडियो के अंदर। अब जिस गाने का भी आपको रिमिक्स बनाना है, पहले तो उस गाने को आप डाउनलोड कर लो। तो मैं शो कर देता हूं आपको। तो मेरे को बनाना है बड़ी मुश्किल का डाउनलोड, मुश्किल तो 320 kbps पे डाउनलोड करिएगा, थोड़ा क्वालिटी मेंटेन रहेगा। नाउ अब आपको चाहिए होगा एक वेबसाइट जो आपको उसका स्केल और टेम्पो बता सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आई विल यूज दी कॉडिफाई। जो भी गाने का आपको कॉर्ड्स और टेम्पो चाहिए, यहाँ पे जाके आप उसे सर्च कर लो। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है और मैं आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पे शो गया कि गाने का स्केल आपका ई माइनर है और टेम्पो क्या है 86 है ना। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ये कॉर्ड्स यूज हुए हैं, तो बहुत सिंपली आप कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो टेम्पो पहले मिला लेते हैं 86, और आई होप आप लोग को कॉर्ड्स बनाने आ गया है कि किस तरीके से हम लोग कॉर्ड्स लगाएंगे बनाएंगे। तो मैं आज एकदम 037 047 नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, कॉर्ड्स को वहां बिल्डअप कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताते हैं। अब गाना जैसे आपका ई माइनर में, अब सेम में बनाएंगे तो यू नो क्या होगा, समझ रहे हो, क्लेम आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक स्केल आप इसे ऊपर कर दो, जिससे क्या होगा कि कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह से आप बच पाओगे। तो अब यहाँ पे कॉर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स ट्रांसपोज हो गया, तो ई माइनर एफ माइनर बन गया है, डी आपका डी शार्प बन गया, जी आपका जी शार्प बन गया, ई माइनर आपका एफ। मैं गाने को अभी प्ले नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने अभी इसे प्ले कर दिया तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसे प्ले नहीं करने वाला हूं। अब सिंपली क्या करना है आपको, दो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। पहला मेथड तो एफएल के अंदर है और इसके वोकल्स को निकाल लोगे, एक्सट्रैक्ट सैंपल। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ये वाला ये नया फीचर एफएल में आया है, AI है, यहाँ पे क्लिक किए एक्सट्रैक्ट स्टेम्स फ्रॉम सैंपल, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप म्यूजिक से निकालना चाहते हो। तो मेरे को वोकल चाहिए, आएगा पहला चाहिए, राइट, तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक मेथड तो ये है एक्सट्रैक्ट करने का, दूसरा मेथड क्या है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, आप गूगल क्रोम पे जाना, ठीक है, सर्च करना वोकल एक्सट्रैक्टर। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स। ठीक है, किसी भी एक वेबसाइट को यूज़ कर लो, मान लो मेरे को ये चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस अपने गाने को लाके डाल दीजिएगा, जैसे मेरा ये गाना है ना, इसे मैंने लाया और यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, प्रोसेस उसको करेगा, जैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ना एफएल के अंदर, वही सेम प्रोसेस ये करेगा, दोनों की क्वालिटी भी सेम होती है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वोकल्स आ चुका है, यहाँ पे अभी प्रोसेस में भी हो रहा हो, हाँ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे अब कॉर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर वाले को हम डिलीट कर रहे हैं और राइट क्लिक मार के ना इसे अनग्रुप कर देंगे, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड हम इसे एक स्केल ऊपर कर देते हैं, वही जो मैंने बोला कि ई माइनर को हमने क्या करना है, एफ माइनर बना देना है, जिससे कि हम लोग थोड़ा क्लेम से बच सके। ठीक है, 100 सेंट की दूरी, जैसे कैसे होता है, देखो मैं शो कर देता हूँ, एफएल कीज है, ट्रांसपोज करना बोलते हैं बेसिकली इसको। मान लीजिए कि आपका है ई माइनर, ठीक है, जैसे यहाँ मैं शो कर रहा हूँ ई माइनर में गाना था हमारा, अब हमें उसे एफ बनाना था। ठीक है, ऑफकोर्स क्लेम से बचने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ई से एफ की ओर की जो दूरी होगी 100 सेंट, हर नोट से ना, इस नोट से हर अगले नोट की दूरी 100 सेंट होती है, तो मैंने 100 सेंट ऊपर कर दिया, तो ई हमारा एफ बन गया। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे किया था, 100 सेंट कर दिया था और मैंने उसे एक्सपोर्ट कर लिया फिर उस तरीके से। अब मैं हटा लेता हूँ, अब सबसे पहला काम मेरा ये होने वाला है कि मैं इन सभी को बीट पर बैठाऊँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो कहे देखिए, बहुत ऑफ जा रहा है, अब इसे बीट पे बैठाना है। तो सिंपली अब आप क्या करोगे, इस पर बीट पे बैठाना शुरू करोगे, और इजी मेथड मैं बता देता हूँ, कोई छोटा सा बीट क्रिएट कर लो। ठीक है, या तो इस तरीके से ऐसे बीट क्रिएट कर लो ताकि अच्छे से और हो जाए, या तो मेट्रोनॉम पे भी आप कर सकते हो, मैं तो अक्सर मेट्रोनॉम पे ही करता हूँ, बट ठीक है आप लोग के वॉक को ईजी करने के लिए मैं यहाँ पर कोई बीट डाल देता हूँ और फिर इस हिसाब से हम लोग बैठाते चले जाएंगे, बहुत ही सिंपल है।
अब देखिए, ओके मैं इसे पहले बैठा लेता हूँ बिना समय को बर्बाद किए। And I would like to make this beat थोड़ा fast, क्योंकि मैं इतना slow नहीं रखना चाहता हूँ। तो simply मैं क्या करूँगा, tools में जाऊँगा, macros में जाऊँगा, switch disable, ठीक है, switch all audio clip to real time stretching कर देंगे, and इसे हम लोग fast कर देते हैं थोड़ा सा, like this। अभी जो जो ये टोन है इसको मैं कट लगाऊंगा और हल्का मैं फास्ट रखना पसंद करता हूँ इस टाइप के गानों को। ओके इसे भी हम लोग देखिए बहुत सिंपल मेथड एक बताते हैं आपको क्या करिएगा। ट्रांजिएंट्स है ना, ये देखिए ये मेन जो बार्स होते हैं डार्क वाले उसके करीब लाने का कोशिश कीजिए। जब आपको महसूस हो कि इस पार्ट में थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, कुछ नहीं इसको बड़ा कीजिए और इसको पकड़ के खींच के इस तरफ आप ले आइए, इसे आप सटा दीजिए। ओके अब ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आगे आ गया है। ओके ये उल्टा लेट ही हो रहा है, मेरे को लगा कि ये सही जा रहा है बट और लेट हो रहा है। चनक चनक के बोले, चनक चनक के बोले, चनक 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 के बोले, चनक चनक के बोले, ओ कड़ी मुश्किल बाप, चनक चनक के बो, चनक चनक के बोले, चनक चनक के, ओ ये ओ जो चल रहा है, सो इसे भी बढ़ाते हैं इस तरीके से। ओ बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉर्ड्स बना लेते हैं। तो कॉर्ड्स बनाना बहुत ही सिंपल है, एप्पल कीज में जाएंगे। अब हमें पता है कि एफ माइनर लगा हुआ है, राइट, डी शार्प लगा हुआ है, तो अब सिंपली हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं कॉर्ड्स को। तो पियानो रोल मैंने कहाँ से पता किया कि कौन सा कॉर्ड लगा हुआ है, तो मैंने कॉर्डिफाई से पता किया, ये जो कॉर्डिफाई है ना यहाँ से पता किया है, राइट। हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है पैटर्न वन को इस तरीके से, एफ माइनर, एफ 1 2 3 4 5 6 7। ओके बढ़िया, ओके यहाँ पे एक कॉर्ड और हम लोग बदल सकते हैं, शायद डी शार्प था, हमने देखा भी था। ओके बढ़िया, और क्या क्या कॉर्ड है, डी शार्प लग सकता है, अब जैसे डी शार्प लग सकता है और जी भी लग सकता है, आप यहाँ से भी देख के बना सकते हो, इसे भी बना सकते हो। मैं अक्सर क्या करता हूँ, इन चार कॉर्ड को पकड़ लेता हूँ कि हाँ यही चार कॉर्ड यूज़ हो रहा है फिलहाल। ये ई माइनर नहीं है, अभी ये एफ माइनर हो गया, मैंने बताया ना हमने ट्रांसपोज किया है, इसीलिए अभी ये एफ माइनर है, जस्ट अगला नोट हो जाएगा। ई का अगला नोट क्या होता है, एफ होता है, डी का अगला नोट डी शार्प, जी का अगला नोट जी शार्प, ई माइनर का अगला नोट एफ माइनर, राइट। तो ऐसे ही ये चलता है, तो अभी ये क्या बन चुका है, डी शार्प और जी शार्प हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ये चीज़ हो रहा है, लेट्स सी दी जी शार्प, नहीं चलेगा, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सेम कॉर्ड्स को पेस्ट कर दूंगा जो एफ माइनर है। ओके सही है, अब सिंपली इस कॉर्ड को कंटिन्यू कर देते हैं। ओके अब यहाँ से कॉर्ड चेंज होगा, लेट्स सी।
यहाँ पे हम लोग मेक यूनिक कर देते हैं एंड लेट्स झुमका झुमका झुमका। अब सिंपली जी शार्प मेजर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं इसे ऊपर नहीं जाने देना चाहता, मैं एक नोट इसे नीचे कर दूंगा। ठीक है, ऊपर भेजेंगे तब भी वही बजेगा, नीचे भेजेंगे तो और थोड़ा सा कूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे नोट्स करीब हो, इसे इन्वर्जन बोलते हैं, सेकंड इन्वर्जन। यही सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल क्लास में सिखाता हूँ, तो अगर आप चाहते हो मेरे से पर्सनली सीखना एक एक चीज़, म्यूजिक थ्योरी वगैरह सब, तो आप सिंपली मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वर्ड्स लगाते जाते हैं। फिर यहाँ से कॉर्ड चेंज हो गया, चनक चनक के बोले, चनक चनक के बोले, चनक चनक के बोले। ओके, मैं अगेन सेम चला दूंगा कॉर्ड, सुन सुन चनक चनक के बोले, चनक चनक के बोले। अब लेट्स सी इसमें कौन सा लगेगा, शायद जी शार्प लगे, मे बी, लेट्स ट्राई दिस जी शार्प। कभी ये कभी ये, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन आप देखो तो पैटर्न 1 और 2 से ही हम बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। ओके, नाउ लेट्स ऐड द सेम पैटर्न। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला दिल। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आगे, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। ओके, यहाँ पे भी सेम कॉर्ड चलता रहेगा, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, सेम चल रहा है, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। चौथा कॉर्ड बस अलग रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना अलग ही एक पैटर्न ही डिजाइन कर देता हूँ, मेक यूनिक कर लेते हैं और बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, आशिकों का दिल। तो इसके लिए सेम आई विल डू डी शार्प रहेगा और इसे मैं पकड़ के नीचे, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा पकड़, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। ओके, नहीं जमा, तो मैं एफ माइनर ही लगा के देख लेता हूँ, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, या तो डी शार्प लगा के देखते हैं। हाँ, नहीं चलेगा, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। ओके, ये जम गया, तो मैं कॉर्ड्स को कंटिन्यू पेस्ट कर दूंगा। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा पकड़ के रहना छलिए, जरा पकड़ के रहना छलिए, मेरी अदा भी है काबिल। अब ये जो मेरी अदा भी, यहाँ पे मैं गैप देना चाहता था, मेरी अदा भी है काबिल। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल। बना लिया है, तो कॉर्ड जो हमारा एफ माइनर के अंदर है। Now we will do one thing. Pattern 1 वाले कॉर्ड पे अलग म्यूजिक तैयार कर देते हैं, जैसे पैटर्न 1 है। Let's create the music here. So पहले मैं क्या करूँगा, वाइट प्लग डालूंगा, या तो मैं हार्मर भी यूज कर सकता हूँ, हार्मर लिया मैंने। Now इसमें एक प्रीसेट है, आप यहाँ पे आओगे प्लग में, तो स्ट्रोब करके, ओके, प्लग वाला स्ट्रोब, तो मैं सिंपली इसी कॉर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट। ओके, ये हो नहीं रहा है, सो अंदर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड सी। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, अब ये बिना मतलब मैं एक्स्ट्रा गया हुआ है, मैं सारे का लेंथ सेम रखूँगा। अब सभी को पकड़ के छोटा कर देंगे एंड वी विल क्रिएट लाइक दिस। ओके, ये सही लगेगा, ऐसे करते कुछ। ओके, अगर हम लोग रिमिक्स कर रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं, सो बहुत ध्यान देना होगा, कॉर्ड्स हट बंद कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लग चलाएंगे एंड कट किए इसको, पैटर्न 1 वाले कॉर्ड्स को एंड पैटर्न 2 में उठा के ले आए, पैटर्न 4 में उठा के ले आए, एक प्लग का अलग ही चलेगा। तो हमने पहले प्लग लगाया, इसका नाम भी दे देते हैं प्लग, ठीक है। सिंपली हमने उसी कॉर्ड्स को यहाँ पेस्ट कर दिया जो बज रहा है, अभी से मैं बंद कर रहा हूँ।
like this. Okay, so थोड़ा confusing, little bit. I think ये गाना 3/4 पे है. Okay, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो ये pattern वाला chord है, इसी को copy करेंगे, ठीक है? और new pattern में जाके I will paste it, क्योंकि सभी तो pluck ही बना रहे हैं ना हम, तो पकड़े सभी को, इसे भी वैसा ही कर दिए, like this. बहुत simple, बहुत आसान. यहाँ पे कर देते हैं pluck. इसका भी नाम हम प्लक ही रखेंगे. अब यहाँ आप देख सकते हो कि पैटर्न वन वाला कॉर्ड शुरू हो गया, तो पैटर्न वन वाले कॉर्ड को लगा देते हैं. अगेन सेम. अगेन देखिए पैटर्न थ्री वाला कॉर्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कॉर्ड नहीं डालना है, याद है मैंने बोला था यहाँ पे मैं खाली रखूंगा. ओके, मैं इसे खाली छोड़ दूंगा. बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. अब यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न, जो पैटर्न में कॉर्ड चल रहा है उसी पैटर्न में इसे आप लगाते जाओ. बहुत सिंपल है ये. अब देखिए यहाँ पे पैटर्न टू पकड़े, सेम कॉपी किए. अब एक और नए पैटर्न में चले जाएंगे, प्लग थ्री बन जाएगा अपना. ये गए पकड़े, अब सभी को सेलेक्ट किए, छोटा कर देना है ऐसे ऐसे. बहुत सिंपल है. ओके, तो इसका भी नाम दे देते प्लग. ओके, अगेन बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल. ओके, नाउ वी हैव क्रिएटेड द प्लग. प्लग का साउंड हमने ऐड कर दिया है, साउंड को ऐड कर दिया है. अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीधे म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से. सारे फ्री सैंपल पैक्स है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो. मैं इसीलिए फ्री वाला यूज करता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आए. सो साइमेटिक्स का जितने भी सैंपल्स आप देख रहे हो सभी फ्री, आप इनके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो. तो ड्रम लूप कोई भी ले सकते हैं, या तो वन शॉट भी ले सकते हैं. लेट्स ऐड द किक या स्नैप वाला साउंड. ओके, मैं सीधे यहाँ प्रोग्राम करूँगा. और मैं टेम्पो सच्ची स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऑड लग रहा है, ये लग रहा है एकदम हड़बड़ा गई है बेचारी. ओके, तो मैं इसे 86 ही कर देता हूँ. यहाँ पे मैं कुछ दूंगा फिलर, इस तरीके का कुछ भी दे दूंगा. लेट्स डू फास्ट थोड़ा. ओके, किक ऐड करते हैं. किक लाइक दिस. बहुत ही सिंपल है. अभी से हमें सेम जो है ये उसी को कॉपी करते चले जाएंगे इस तरीके से. ये एक्चुअली बहुत सिंपल है बनाना कोई भी रिमिक्स. स्नैप मैंने एक के ऊपर रख दिया. अब यहाँ क्या करेंगे, एक किक पे रखेंगे, एक पे नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा पैटर्न. ओके, नाउ वी विल ऐड सम पर्क्स. अब ये चीज ले लेते हैं, मान लो लेट्स सी. ओके, ये नहीं चलेगा. स्नेयर में देखते हैं.
ओके ये चल जाएगा। बड़ी मुश्किल पापा बड़ी, हाँ ये भी ठीक है। बड़ी मुश्किल पापा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। बड़ी मुश्किल पापा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बट के रहना छंदी रे, जरा बट के रहना छंदी रे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया लाइक दिस। ओके ऐड ऑन करने के बाद एक बार सुन लेते हैं। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गल पे है काला काला तिल। काला काला तिल, यहाँ पे प्लक का आवाज हटा देंगे। नाउ आई विल ऐड सम बेस या 808s कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को। ई, अब ये ई है तो इसे एफ बनाना था, बहुत ही सिंपल जो बताया था मैंने कि ई से अगर एफ बनाना है तो एक नोट की दूरी है, ये ई है तो ये एफ है। क्या करना है, सिंपली इसे एफ बना देते हैं। एंड नाउ उसके बाद 100 सेंट उठा देते हैं ताकि एफ बन जाए। अब नाउ वी विल ऐड दिस, बड़ी मुश्किल। ओके अब इसे यूज करते हैं, ये 808 हमारा बन चुका है, तो 808 की तरह ही यूज किया जाए इसे। पियानो रोल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। ओके पहले देख लेते कि कॉर्ड्स क्या क्या लगा हुआ है इसमें, इस वाले में तो इसमें लगा हुआ है एफ डी शार्प एफ एफ, चलो ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, न्यू पैटर्न ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐड ऑन करते हैं हम लोग अपने 808 को या बेस को, जो भी बोल लो, और इसमें राइट क्लिक मार के कट इट सेल्फ कर देंगे ताकि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करे ये। इसे मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आशिकों का दिल। ओके हम लोग एक काम कर सकते हैं, स्नैप जहाँ स्टार्ट हुआ है ना वहाँ पे इसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे बेस का पैटर्न चेंज, अब यहाँ पे आई विल ऐड दी बू बेस। थोड़ा सा मैं अलग अलग चीज़ें करते रहता हूँ, बू बेस ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एंड सिंपली आई विल डू वन थिंग कि इन्हीं को कॉपी कर लेंगे जो बेस हमने बनाया था, न्यू पैटर्न में चले जाएंगे एंड आई विल पेस्ट दिस। और हम लोग अब इसी से इसको ग्रुप करवा देंगे, ठीक है। बहुत बार मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप ग्रुप करवा सकते हो बेस को इस तरीके का पैटर्न बना के। ओके नाउ लेट्स सी क्या होगा अगर हम इसे यहाँ पे डाले। सी बहुत सही लगेगा, बहुत सही। ओके एज वी कैन सी 808 अपना जादू दिखा रहा है यहाँ पे, ये 808 है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हाई हैट ऐड कर सकते हैं, तो लेट्स ऐड दी हाई हैट। तो हिप हॉप सैंपल पैक में अगर मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए, इसे डाल देते हैं, ठीक है। सिंपली उठाए और डाल दिए, 160 के टेम्पो में है तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे और इसे स्ट्रेच में जाके बीट पर बैठा देंगे इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। ओके कट सुनते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन, बड़ी मुश्किल पापा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बट
ओके मैंने कुछ यूनिक क्रिएट कर लिया टाइम को इधर उधर करके। सो शुरू में तो बहुत सिंपल लगेगा ये जब सुनेगा लोग, तो मैं इसे भी हटा के ऐसा ही कर दूंगा ताकि थोड़ा सा वाइब आना चाहिए अपना वाला। तो इसी को पकड़े और यहाँ डाल दिया है। बहुत सारे लोग को ये बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि अच्छी चीज़ें अक्सर बोरिंग ही लगती हैं लोगों को। ओके दैट्स ग्रेट। अब नाउ आई विल कॉपी दी सेम थिंग सेम पैटर्न, यहाँ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हाई हैट्स भी डाल देंगे अपन। तो हाई हैट्स के लिए ओपन हैट्स तो मेरे को चाहिए होगा ओपन हैट्स। ओके लेट्स यूज दिस, वॉल्यूम कम कर देंगे बस। नाउ लेट्स सी ओके यहाँ से जो बाउंस किया है बहुत ही बवाल किया है अगर हम लोग ध्यान से देखें। इस जगह से मस्त बाउंस करता है सी। हम लोग रिमिक्स में कुछ यूनिक भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से लेते हैं, इस जगह से लेते हैं ताकि हम लोग कुछ और यूनिक क्रिएट कर सके। ये सब तो हम आगे भी ला सकते हैं राइट। तो सिंपली इस पार्ट से काम करते हैं इसमें, तो एकदम यूनिक ही हो जाएगा ये चीज़। पकड़े सभी को खींच के लाए और देखते हैं। तो पहले मैं कॉर्ड्स बजाऊंगा इसमें, तो कॉर्ड्स को ऑन कर देते हैं, ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे और इसे हम लोग कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पियानो बना देंगे। तो इसी का प्रीसेट यूज़ कर लेते हैं, ई पियानो। ओके इसकी वॉल्यूम को थोड़ा कम रखना चाहता हूँ मैं, 6 dB, इसे भी 6 dB या और कम। एंड आई वॉन्ट कि इसमें पूरा रिवर्व वाला इफेक्ट है ना। ओके अब मैंने क्या करना है, इसे सिंपली बड़ी मुश्किल को यहाँ पे मेक यूनिक कर देना है और इसे ना राउट कर देना नए चैनल में, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये अपना अलग अब चलेगा, ये एकदम अलग चलेगा वो इसके पिछला वाला। तो यहाँ पे एक EQ ले लेते हैं एंड बहुत हाइज इसका चुभ रहा है लाइक दिस। वी विल ऐड द रिवर्ब, लार्ज रिवर्ब, बहुत सारा रिवर्ब, लार्ज हॉल। एंड इसके मिक्स लेवल को कम कर देंगे और लो कट कर लेंगे थोड़ा। और रेडियो इफेक्ट कर देते हैं इसको, इवन हम लोग ओल्ड टेलीफोन इफेक्ट, या तो कॉर्ड्स भी हटा दें तो कैसा लगेगा, बहुत अजीब बात है। सो नॉर्मली मैं रील्स वगैरह के लिए ऐसा ही करता हूँ और अच्छे व्यूज़ जाते हैं उस पर। ओके ये पार्ट गड़बड़ हो गया। सो कोई नहीं, अभी के लिए मैं इसे यहाँ रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई फिलर मांगता है इस जगह पे, तो अपने को एक फिलर चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। सो कोई फिलर नहीं,
एक तो रिवर्स डालिए यहाँ पे, इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है डालना लाइक दिस, क्योंकि यही जो एफेक्ट्स है ना वही आपके मतलब चीज़ों को बढ़ा देते हैं। ओके, अब जैसे ये डाल दिया, अब जैसे ये ग्लास टूटने की आवाज सुन के देखिए, ओके क्या हमने किक को उड़ा दिया क्या? ओके वी हैव रिमूव द किक, और किक मेरे को थोड़ा सा टाइट चाहिए था वैसे भी, तो किक को मैं टाइट करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे रख दूंगा किक को। Why I am doing this? मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता था। ओके तो मैंने क्या करना है, सिंपली से पकड़ना था ऐसे और कॉपी पेस्ट करना था। ओके वी हैव क्रिएटेड दिस, सो हियर इज द रिमिक्स। और थोड़ा आप इसे अगर आप चाहो तो किक को क्लिप करवा सकते हो और आउट में करना इसे उस तरीके से, एंड सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर दीजिए। ये छोटा सा प्लगइन, बहुत ही काम का प्लगइन है लाइक दिस। इवन मेरे को डिस्टॉर्टेड साउंड बहुत पसंद है, तो EQ ले लेते हैं, और मैं इसके बेस वाले रीजन को ना एकदम कट कर दूंगा और सबको बढ़ा दूंगा। बेस को कट करूंगा, थोड़ा ये टाइट कर दूंगा लाइक दिस। हाँ अब सॉफ्ट क्लिपिंग करवा देते हैं इसे। यस एंड 808 हमारा यहाँ पे ना थोड़ा क्लैश मारेगा, तो 808 के लिए कुछ करना पड़ेगा। 808 को हमें थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा। अब इसी जगह पे बज रहा है तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, तो थोड़ा तो जगह देना पड़ेगा। चलो चल जाएगा, बाकी मिक्सिंग सेशन में देखा जाएगा। सो गाइज वी हैव क्रिएटेड दिस, और मैंने जैसा बताया था एक जगह पे ड्रॉप आ रहा है ना, एक जगह पे मैंने वैसे बताया था कि इस चीज को इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके हमें क्लैप डाल देना चाहिए, इससे ज्यादा बेहतर है। क्लैप एड ऑन कर देते हैं, तो क्लैप ये रहा। ओके ये रहा क्लैप। और यहाँ पे वी विल ऐड द राइट्स, ये चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी आई बिलीव इन यू दैट यू कैन डू दिस, बहुत आसानी से आप आगे भी क्रिएट कर सकते हो। मेथड यही है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करते हैं ज्यादा परेशानी हम आपको नहीं दी हो सिखाने में इस चीज को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में भी हो सकता है ये चीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत आ रहा है समझने में, हद से ज्यादा दिक्कत आया है, तो आप क्या करो मेरे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग आमने सामने होंगे और मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा कि हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो। लाइफ में एक गाइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सिंपली आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 50,000 का कोर्स है जो कि मात्र अभी 15,000 यानी कि 15,000 आधा से भी आधा में मिल जाएगा, फिर बाद में
में आप कॉन्टेक्ट करोगे सेम प्राइस में तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अभी जुड़े हुए हो मुझसे तो फिर आप इस मौका को गलती से भी ना छोड़े। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहां गलती हुई है ताकि आने वाले आगे के वीडियोस में मैं इन चीजों का सुधार कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।